हेलो फ्रेंड्स, मैं भरत आज आप लोगों के बीच क्लास 12 बिहार बोर्ड इंग्लिश पोएट्री सेक्शन को लेके आया हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप अपना 5 नंबर कंफर्म करना चाहते हैं क्लास 12 में बिहार बोर्ड में, तो इंग्लिश में, खास करके इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए ये वीडियो है। तो आप अपने 5 नंबर को करना चाहते हैं अगर कन्फर्म, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। और प्रोज सेक्शन से 5 नंबर और पोएट्री सेक्शन से 5 नंबर आप उठा सकते हैं, जिसका प्रोज सेक्शन वाला वीडियो पहले बन चुका है, उस वीडियो को आप देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। और इस वक्त हमारे पास चालू कर रहे हैं हम लोग पोएट्री सेक्शन को, यानी कि इसमें टोटल 10 चैप्टर है, लेकिन आपको फर्स्ट स्लाइड में 6 चैप्टर के बारे में बता देंगे, सेकेंड स्लाइड में आगे चैप्टर का। तो चलिए, ट्रिकी वे में बहुत बच्चों को प्रॉब्लम होता है कि पोएम का नाम याद करने में, पोएट का नाम याद करने में, बट आप लोगों के बीच में बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में इसको तैयार करके लाया हूँ। तो चलिए समझते हैं। फर्स्ट चैप्टर का नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, स्वीटेस्ट लव, प्यारी महबूबा, है ना, नाम से ही ट्रिकी वे में बनाया गया, थोड़ा फ़नी भी होगा, तो आप इसको सिर्फ याद करने के मकसद से देखें और कुछ अलग मीनिंग इसका ना निकालें। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, प्यारी महबूबा। प्यारी महबूबा किसका हो सकता है? इस पोएम के जो पोएट हैं उनका नाम है जॉन डॉन। जॉन डॉन यानी जॉन को थोड़ा देर के लिए हम जॉन अब्राहम बना दिए, हीरो बना दिए, और जॉन अब्राहम जैसा अगर कोई स्मार्ट रहेगा तो उसकी प्यारी महबूबा ऑफकोर्स होगी ही होगी, इसलिए याद कर लेंगे स्वीटेस्ट लव यानी कि चैप्टर का नाम, और इधर आपको याद आ जाएगा जॉन डॉन यानी कि जॉन अब्राहम, थोड़ा देर के लिए हीरो मान लीजिए। नेक्स्ट है हमारा सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ मतलब खुद से गाना गाना, खुद से इंसान गाना गाने लगता है या बड़बड़ाने लगता है, ऐसा कुछ समझ लेंगे। खुद से गाना गाना या ब्रैकेट में मैंने जैसे लिख दिया बड़बड़ाना, थोड़ा देर के लिए मान के चलिए। और इसके जो पोएट है वॉल्ट विटमैन, वॉल्ट विटमैन को, वॉल्ट को स्किप कीजिए, विटमैन पर देखिए ट्रिक बना दिया गया, सफ़ेद कपड़ा में आदमी। सफ़ेद कपड़ा में कोई आदमी होता है उसको थोड़ा देर के लिए भूत मान लीजिए आप, कि सफ़ेद कपड़े में किसी भूत को देख कर क्या करता है कोई आदमी, डर जाता है और वो बड़बड़ाने लगता है या फिर कोई गाना गाने लगता है ताकि भूत से उसको डर ना लगे, ठीक है। तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ खुद से गाना गाना, वॉल्ट विटमैन सफ़ेद कपड़े में आदमी यानी कि भूत, सफ़ेद कपड़े में जब किसी आदमी को देखेंगे, भूत को देखेंगे, तो खुद से गाना गाने लगेंगे, बड़बड़ाने लगेंगे। इस तरह से आपका चैप्टर 2 का पोयम और पोएट दोनों का नाम आपको इस तरीके से याद हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, जैसा कि नाम से ही मालूम चल रहा है, पत्ते तेज़ी से गिर रहे हैं, पत्ते तेज़ी से गिर रहे हैं, इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर दिए। और इसके जो पोएट हैं वो है WH Auden। जैसा कि आप इंग्लिश ग्रामर पढ़ते होंगे तो उसमें आपको पता होगा कि WH word यानी कि जहाँ कहीं भी प्रश्न वाला बात होता है तो हम लोग WH word बोलते हैं, WH interrogative sentence बोलते हैं। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे WH को हम क्यों के रूप में ले लिए हैं, वाई, WH को वाई बना दिए, क्यों। तो पत्ते तेज़ी से गिर रहे हैं, तो किसी ने सवाल किया कि पत्ते तेज़ी से गिर रहे हैं तो भैया क्यों गिर रहे हैं, क्यों। तो क्यों को जब इंग्लिश में चेंज करेंगे तो आपको याद आ जाएगा WH, और WH से याद आ जाएगा WH Auden। तो इस तरीके से आप नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट और इसके पोएट के नाम को आप याद कर सकते हैं इस ट्रिक में। अब है नेक्स्ट हमारे पास 4 नंबर चैप्टर 2 ऑटम। ऑटम मीन्स पतझर होता है। पतझर में मान के चलिए यहाँ पे इसके जो पोएट है वो जॉन किट्स है, और जॉन किट्स किट्स से इसको ट्रिक सेट किया गया है कि पतझर में पत्ते कीट के साथ गिरते हैं। पतझर में पत्ते जो गिर रहे हैं वो किसके साथ गिर रहे हैं? कीट के साथ, कीड़े मकोड़ों के साथ गिर रहे हैं, कीट के साथ गिर रहे हैं। तो इससे आपको याद आ जाएगा, कीट से आपको याद आ जाएगा कि इसके जो पोएट हैं वो जॉन किट्स हैं। तो पतझर, पत्ते तेजी से, पत्ते गिर रहे हैं और किसके साथ गिर रहे हैं? कीट के साथ गिर रहे हैं। तो इस तरीके से इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास An epitaph। epitaph में देखिए पिता, कहीं ना कहीं इसमें बीच में आपको पिता दिख रहा होगा, PITA, इसको हिंदी के सेंस में ले लीजिए पिता। तो पिताजी क्या करते हैं, जब बच्चा कोई बदमाशी करता है तो पिताजी उसको क्या करते हैं, डेला मेयर, जैसे इसके पोएट है वॉल्टर डेला मेयर को हमने बना दिए दे लात मार। पिताजी जब आप कोई गलती करते हैं तो पिताजी बच्चों को दे लात मार मार के स्वागत करते हैं कि क्यों ऐसा गलती किए हैं आप, आपको ऐसा नहीं करना है। तो दे लात मार, इस ट्रिक से इसको याद कर लीजिए, थोड़ा सा फ़नी है, चलिए कोई बात नहीं, बस याद होना मेन मकसद है, याद होना, एग्ज़ाम में 5 मार्क्स उठाना, एरकम करवे ताले भालो होवे। आमी एटा बांग्ला बोले दीची माझे, ठीक आछे, मतलब मैं बंगाल से बिलोंग करता हूँ इसलिए मैं बीच बीच में थोड़ा बंगला भी बोल देता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा मज़ा आ जाए वीडियो में, चलिए कोई बात नहीं। नेक्स्ट है द सोल्जर, यानी कि सोल्जर से जैसा कि नाम से ही पता चलता है सैनिक, कोई एक सैनिक है, मान के चलिए सैनिक कौन है, यहाँ पे अपने आप से खुद से सवाल कर दिए कि सैनिक कौन है।
तो इसके जो पोएट हैं वो है रूपर्ट ब्रूक। रूपर्ट ब्रूक, ब्रूक में केवल ब्रो ले लीजिए, बी आर ओ ब्रो, ब्रो माने भाई, ब्रदर, ब्रदर को ब्रो कहा जा रहा है शॉर्टकट में। तो इसको ब्रो मीन्स भाई, यानी सैनिक कौन है, तो सैनिक मेरा भाई है। इस तरीके से इस स्लाइड में मैंने आपको बताया 6 चैप्टर के बारे में, पोएट और पोएम का नाम और किस वे में इसको याद किया जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताता हूँ इसके आगे का 4 चैप्टर और। तो नेक्स्ट चैप्टर है हम लोग का, देखिए मैकाविटी, 7 नंबर चैप्टर, मैकाविटी द मिस्ट्री कैट। मैकाविटी द मिस्ट्री कैट में से मैका को हम लोग बना दिया माँ का, सपोज कीजिए माँ बीमार है और माँ का एडमिशन करवाया गया, एडमिशन मतलब हॉस्पिटल में तबीयत ख़राब है, तो उनको किस हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया, TS Eliot। तो TS Eliot जैसा कि नाम से ही थोड़ा सा पता चल रहा है, जैसे कोई हॉस्पिटल वगैरह का नाम हो या कॉलेज का नाम हो, ऐसा कुछ लग रहा है। तो इसको फ़िलहाल हॉस्पिटल बना दिया गया, TS Hospital में माँ का एडमिशन कराया गया। तो माँ का से याद हो जाएगा मैकाविटी यानी चैप्टर का नाम, और TS Eliot Hospital, TS Eliot से आपको याद हो जाएगा, TS Hospital से कि आपको पोएट का नाम याद हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हम लोगों का फायर हिम यानी आग लगाने का काम, फायर से मैंने ले लिया आग लगाने का काम। पोएट है हमारे केकी एन दारू वाला। तो आग लगाने का काम, उल्टा पुल्टा काम आदमी कब करता है, जब वो उल्टा पुल्टा कुछ करता है, जैसे कि वो ड्रिंक कर लिया, दारू पी करके वो आग फाग लगा दिया, लोग परेशानी में आ गए, तो अक्सर जो है दारू पीने के बाद उल्टा पुल्टा काम करते हैं लोग। तो चलिए उसी हिसाब से चैप्टर के नाम से और पोएट के नाम से मिलता जुलता कुछ ट्रिक बनाया गया है। आग लगाने का काम कब हो रहा है, दारू पी करके, तो दारू वाला याद आ जाएगा आपको पोएट का नाम। इसी तरीके से नेक्स्ट है हमारा स्नेक मीन्स सांप। सांप क्या करता है, सांप जनरली डसने का काम करता है, जब लोगों को देखता है तो डस लेता है। DH Lawrence से डी से हमने डसने बना दिया, डसने का काम कर रहा है, तो सांप डसने के काम को कर रहा है, तो डसने से आपको डी याद आएगा और डी से आपको याद आ जाएगा DH Lawrence। नेक्स्ट है लास्ट एंड फाइनल माई ग्रैंड मदर्स हाउस, मेरी दादी माँ का घर। तो दादी माँ, फिलहाल थोड़ा देर के लिए सोच लीजिए कि दादी माँ कौन है, तो दादी माँ कमला दास है। इसके जो पोएट हैं वो कमला दास है, और कमला दास दादी माँ और संजोग से इस चैप्टर को जो लिखी हैं वो कमला दास लेडीज़ हैं। दादी माँ का बात हो रहा है और यहाँ लेडीज़ हैं भी कमला दास, तो कमला दास थोड़ा देर के लिए मान लीजिए कि दादी माँ कौन है, तो दादी माँ कमला दास है। तो इस तरीके से आपको ये था इम्पोर्टेंट ट्रिक, और ऐसे इम्पोर्टेंट ट्रिक को जानने के लिए और नए नए और भी बहुत सारा ट्रिक जो है मैं अपलोड करते रहूँगा, जिसको आगे की वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, और दूसरों से अगर इफ़ेक्टिव लगा हो हमारा वीडियो तो आप ज़रूर अपने फ्रेंड से शेयर करें, और कम से कम आपके जो भी फेसबुक या इंस्टा या व्हाट्सअप जो भी आपका चैनल है उसके ज़रिए आप इसको ज़रूर शेयर करें, आगे बढ़ाएँ। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।